सरकार की बुराई करता, वो सरकार की बुराई करता। मैं किसी बुराई नहीं करता, पर मैं एक बात कहता हूँ, जनहित में कोई काम करेगा वो हमारी सरकार है। आज सरकार के आते ही पानी का मुद्दा था वो बंद कर दिया, सड़क का कर दिया, चिकित्सा शिक्षा सब मुद्दे बंद कर दिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी को यही कहा, मुख्यमंत्री जी आप बने हो, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, जिताया है, तो इसमें नो डाउट कि आपको काम करना ही 5 साल। फिर पानी का जो महती आवश्यकता है, पानी हवा दोनों, आपने पानी बंद कर दिया, मतलब कर दिया क्या? हमको आपको ये मालूम नहीं है कर दिया? आपने एक जनरल आदेश निकाल दिया कि जब तक सरकार समीक्षा नहीं कर लेगी तब तक कोई भी आप उसका काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो महत्वपूर्ण मुद्दे थे ना, उसको तो मैंने आज खोल दिया है। तो मैंने कहा पानी तो आप खोलिए। पानी गाँव में जब जाते हैं तो कहते हैं IN कहता है साहब ग्लैंडोरी भी नहीं लगा सकते, हैंडपम्प भी नहीं खोल सकते, कोई काम भी हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जो काम आप करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, समीक्षा कर रहे हो, समीक्षा भी करता रहिए और काम भी करिए। तो मेरा तो समीक्षा नहीं है कि चाहे माँ मेनका भाषण कोई कांग्रेस पढ़ाएगी तो वो भी बात करेंगे, BJP पढ़ाएगी तो वो भी बात करेंगे। वो तो लिखा हुआ भाषण पढ़ना है उनको, जो सरकार ने चीज़ लिख के भेजेगी वो माँ मेन को पढ़ना है। तो पढ़ने का अर्थ ये है कि जो भी लिख के देंगे वो पढ़ेंगे। पर मैं ये कहता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट विश्वास करता हूँ कि भाषण विश्वास नहीं करता हूँ। जो भी सरकार चलाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जनहित के जो कार्य हैं उनके प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। लेकिन आप उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है, ये बात सत्य है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैं नेता भी हुए उस क्षेत्र के, उन्होंने अपने कह सकते हैं कि जीवन काल या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया वहाँ पे नहर लाने के लिए। मैं नहर की तो नहीं कहूँगा, पर कुंभा लिफ्ट योजना का पानी, मीठा पानी 2026 तक जनता को पिलाएंगे। सरकार के हमारी पहले वाले की भी यही नीति थी कि पानी पिलाएं, इनकी भी यही रहेगी। ये भी कहते हैं बहुत ही कारगर कार्य करेंगे, जन इसमें जो भी काम होंगे, भ्रष्टाचार है, जो अराजकता है, पुलिस की व्यवस्थाएँ, और 20 बातें इन्होंने कही आज कि हम इतना बढ़ाएंगे, घटाएंगे। घटाएंगे कुछ भी नहीं, बढ़ाएंगे तो कर्जा भी बढ़ेगा ही, कुछ ही नहीं बढ़ाएंगे, कुछ घटाएंगे नहीं तो बजट तो अभी देंगे तो रासाना कर्जा बढ़ेगा, और कर्जा बढ़ता भी है और भी बढ़ता जाएगा। पर मैं एक बात कह रहा हूँ, जनहित में इन्होंने कहा कि 4 बड़े शहर एक आदर्श शहर बनाए जाएंगे, मॉडिफाई बनाए जाएंगे। मेरा यह समझना है कि 70% गाँव में जनता रहती है और 30% शहरों में रहती है, तो शहरों का बजट तो 11 गुना है और गाँव का बजट 2 गुना है। तो आप देखिए शहरों में पैसा लगाने के लिए जगह नहीं बची है, लगाएँ तो कहाँ लगाएँ, और गाँवों में गंदगी दूर हो नहीं सकती। बुरा हाल है, गाँवों में लोग रास्तों से निकल नहीं सकते। इसका मेरा तो सबसे पहला ये है कि गाँव की जनता जो 70% यहाँ जिता के भेजती है, उन लोगों को भी बोलना चाहिए, उन लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो जनता ने हमें चुन के भेजा है तो शहर के लिए नहीं भेजा है, मैं गाँव के लिए भेजा है। अब हमारे 66 पंचायतें हैं, 2 नगरपालिकाएँ, तो 66 पंचायतों का सौंदर्यकरण भी तो हमारा दायित्व बनता है। उनका सौंदर्यीकरण नहीं होगा, उनका गांव का भला नहीं होगा तो शहर का तो भला पहले से हो रहा है। जब अंग्रेजों की टाइम थी तभी शहरों का भला था, जयपुर का तभी भला ही था, अब इसका विस्तार हुआ है वो अलग बात है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि सरकारें कोई भी बने, कोई भी आए, आती और जाती रहती हैं, कहीं कांग्रेस है, कहीं BJP है, कहीं खुद की इंडिपेंडेंट पार्टियाँ भी हैं और कहीं मिली जुली सरकार भी है बिहार जैसी। तो मेरा ये समीक्षण है कि सरकार कोई भी बने, लेकिन जो बनने वाले मंत्री लोग हैं, वजीर लोग हैं, उनको गाँव के प्रति हमेशा जागरूक रखें, गाँव का विकास करना चाहिए और गाँव के प्रति हमेशा जनहित में जो कार्य हैं उनको सुचारू रूप से करना चाहिए। ये मेरी समस्या है, मेरी समस्या ये रहेगी।